जसबीर कौर है, जिवरियाम गांव में रहने वाले, और जिस सिस्टर की गवाही जे जब बता रहे के जे 3 साल 10 साल से जे प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे और 10 साल से जे प्रभु के ऊपर बिलीव कर रहे थे, पर जैसे ही जे सिस्टर ने 25 नवंबर के दिन थर्सडे की मीटिंग में जे फर्स्ट टाइम यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आए, जैसे इनको प्रभु की गुड न्यूज इनके पास पहुंची, उस दिन जे सिस्टर फर्स्ट टाइम मीटिंग में आए थे, और जे सिस्टर ने बताया कि उस दिन इन्होंने सिर्फ पूरी मीटिंग को अटेंड नहीं था किया और बीच में आधी मीटिंग को सुनकर ही चले गए थे। और जे बताते कि इनके घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता था, जैसे जे 10 साल से प्रभु के ऊपर विश्वास तो करते थे, प्रभु ने बहुत सारे काम भी किए इनके जीवन में, पर इनके घर में शांति नहीं थी, इनकी फैमिली में छोटी सी बात पर ही कलेश हो जाता था, जिसके कारण जे बहुत परेशान हो चुके थे। और जे बताते कि जैसे जे फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए 25 नवंबर के दिन, तो सिस्टर ने बताया कि जो इस मिनिस्ट्री के ऊपर ग्रेस, जो प्रभु के दास के जीवन में जो ग्रेस थी, उसी ग्रेस ने उस दिन इस सिस्टर को छुआ। जो बता के इन्होंने बताया कि जो 10 साल से प्रार्थना में भी इनका मन नहीं लगता था, इन्होंने कभी भी ज्यादा समय प्रार्थना नहीं थी की, पर जैसे इन्होंने मीटिंग सुनी और नेक्स्ट अगले दिन बताते कि मॉर्निंग टाइम जब जी उठे और इनको बहुत अच्छा महसूस हुआ, और उसी दिन इन्होंने आधा घंटा प्रार्थना भी की, और जे बहुत खुश है कि उस दिन से लेकर आज तक इनके घर में कोई कलेश नहीं हुआ, अभी इनके घर में बहुत ज्यादा शांति परमेश्वर ने दी है, और जे बहुत खुश है कि परमेश्वर ने मुझे अपनी प्रार्थना में बहुत सारा बढ़ा दिया है जो इनका मन नहीं करता था। और जे सिस्टर इस गवाही के लिए जो बहुत सारा थैंक्स करते हैं, हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया इस गवाही के लिए। कितनों को समझ आई यह गवाही इनकी, कितनों को समझ आई? ये 10 साल से प्रभु में, बोलो क्या है, 10 साल से सबको इस चर्च में, इस मिनिस्ट्री में आए, कितना टाइम हुआ अभी? माइक तो कितना टाइम हुआ अभी? पापा जी महीना हो गया। 1 महीना हुआ सिर्फ, सिर्फ 1 महीना, और ये 10 साल से प्रभु में। हाँ सुनो, तो 10 साल से जीवन में कोई शांति नहीं, घर में कलेश रहती थी, कोई आत्मिक जीवन नहीं, कोई प्रेयर लाइफ नहीं, कोई कुछ नहीं, और जैसे ही फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए, वो भी उस दिन ये मीटिंग पूरा अटेंड नहीं करके गए, उस मीटिंग को पूरा अटेंड नहीं किया इन्होंने, समझे हो? पर उसी दिन जो ग्रेस है यहां पे खुदा की, बोलो क्या है, क्योंकि मेरी जो प्रेयर है आपको पता नहीं वो किस चीज के लिए है, समझ आ रही है? तो जो खुदा की ग्रेस है, उस ग्रेस ने इन्हें छुआ पहले दिन ही, बोलो क्या है, पहले दिन ही उस ग्रेस ने इन्हें छुआ। और ये क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जब छुआ, जब बता रहे कि पहले इनकी प्रार्थना में इनका मन नहीं लगता था, 10 साल से कभी भी इन्होंने प्रार्थना नहीं थी की, बहुत कम करते थे, बहुत। आपको पता प्रेयर हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है, पता है आपको? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आपको पता जिस दिन यीशु मसीह ने फड़वाई जाना, पूरी रात क्यों प्रेयर की? बोलो क्यों प्रेयर? क्योंकि प्रेयर की जो इंपॉर्टेंस है लोगों को पता नहीं, बोलो क्या है? और जिन लोगों के जीवन में प्रेयर नहीं ना, बोलो क्या है? क्योंकि प्रेयर जैसे मोबाइल हम रिचार्ज करते हैं ना, तो वो चलता है, उसे अगर मोबाइल 50,000 का भी है, अगर वो चार्ज नहीं है, एक तो रिचार्ज कराते हैं ना सिम का, और एक चार्ज, अगर रिचार्ज भी नहीं है सिम का तो भी बेकार है, अगर चार्ज नहीं है तो भी वो बेकार है, बोलो क्या है? तो प्रेयर हमें क्या करती है? चार्ज करती है, क्या करती है? चार्ज करती, चार्ज, समझते हो? और वो 10 साल से इनके जीवन में ये चीज नहीं थी, 10 साल से। देखो तो क्लेश क्यों नहीं आएगी इनके घर में, शांति कहां से आएगी? क्योंकि जो वचन है उस वो पूरा नहीं हो रहा था। पर यहां जैसे ये आए, उस दिन उस ग्रेस ने लिखा शुआ, और उसी दिन ये कितनी प्रेयर करने लगी? अभी आधा घंटा इनकी प्रेयर होगी, आधा घंटा होगी, एक टाइम के तीनों टाइम, बताओ। पापा जी सवेरे सवेरे मैं कर दिया, और स्कूल जानी है तो उस समय भी मेरा बहुत दिल करता है करने, पर मैं मुंह से करती रहनी, मुंह में करते रहते हो, वेरी गुड। और फिर शाम को भी, शाम को भी पापा जी कभी कभी कर लेनी है, कम अभी शाम को कम है। हाँ? पर स्टार्ट हो गया है, क्या है?
मुंह में भी स्कूल में करते हो पर करते हैं हाँ जी जो 10 साल से ये नहीं है बोलो क्या है 10 साल से नहीं मैं प्रोफेसी करता हूं इस बात के लिए कि आप अपनी प्रेयर की गवाही से दोगे कि अब मेरी प्रेयर इतने घंटे होगी और ये होगा यीशु मसीह के नाम से बोलो क्या है ये होगा देखो इतना शुरू किया पहले तो ग्रेसनेस हुआ क्लेश खत्म हुआ जो घर में शांति नहीं थी वो आई देखो इसी लिखा जहां कहीं उसका आत्मा है वहां पे आजादी समझो कितनों को समझ आ रही इस गवाही से कितनों को समझ आ रही 10 साल थोड़े नहीं होते भाई मैं क्या कह रहा हूं वो 10 साल भाई थोड़े नहीं होते 10 साल इन्होंने खराब कर लिए देखो जैसे इस मिनिस्ट्री में आई जो खुदा की क्रेस है उसने शुआ और आइए अपनी टेस्टामनी से हाँ देखो जिसके घर में 10 साल से क्लेश है कोई शांति नहीं उसका जीवन कैसा होगा पापा मेरी एक और गल मैं पहले दिन फर्स्ट टाइम प्रे की थी और मैडम ही हाडे ओ मेरे नाल बहुत ज्यादा खिंचदे हुंदे सीगे ओके हां जी ते मैं प्रे विच एहो कहा कि परमेश्वर तुही ओनू जानदे जो ते ओ तानू नहीं जानदी ते एहो प्रे विच क्या ते सवेरे सवेरे अपने आप मेरे नाल बोलन डया भी मैडम देखो ओने क्या मतलब तेरे नाल मेरी कोई गलबात नहीं हैगी मैं वह स्कूल तो खिजी रहनी है पर स्कूल दे जड़ा सारा गुस्सा ही फेरे ते काट दी थी और जैसे ही उस चीज को शुरू किया प्रेयर वाला पॉइंट और खुदा ने काम करना शुरू कर दिया इस गवाही से कितने लोग विश्वास करते हैं क्योंकि इस गवाही से और आपकी प्रेयर से आप भी अपनी गवाहियों से आपके रास्ते खुलने वाले हैं और आप भी सेम इसी तरह खड़े होकर अपने जीवन के अलग अलग तरह की ब्लेसिंग की छुटकारे की मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से आप गवाही देने वाले हो मैंने कहा आप गवाही देने वाले हो अगर आपका आमीन ऊंचा है मैंने कहा अगर आपका आमीन ऊंचा है तो ये आशीष आपकी है